नूपुर शर्मा ने अकेले पूरे देश में आग लगा रखी है, यहाँ तक कि विदेशों में भी उनके बयान की वजह से तबाही मची हुई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की नूपुर शर्मा पर की गई यह टिप्पणी आग में घी डालने का काम कर रही है। क्या है इस मामले की जड़ और सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा पर किस प्रकार की टिप्पणी की है, आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप नूपुर शर्मा का यह बयान सुने जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया है। तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े आज ऑर्ट स्प्लैक जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, प्रॉफिट मोहम्मद से बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, ऑर्ट स्प्लैक अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20 बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फोर हो जाइए। इस बयान के बाद नूपुर शर्मा को देश विदेश से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसी बीच बीजेपी ने भी उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित करके अपना पल्ला झाड़ लिया है। इसके बाद नूपुर शर्मा को धमकियां देने वालों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो अब नूपुर शर्मा का रेप कर देने तथा उन्हें जान से मार देने की धमकियां देने लगे हैं। साथ ही सर कलम कर देने तथा सर तन से जुदा कर देने नाम के फतवे जारी होने लगे हैं। इन दंगों के मद्देनजर नूपुर शर्मा ने अपने दिए गए बयान पर लिखित में माफी भी मांग ली है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे दंगे तथा धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और नूपुर शर्मा के खिलाफ विभिन्न राज्यों में FIR दर्ज होने लगे हैं। यह सब देखते हुए नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उनके लिखित माफीनामे के बाद भी उन्हें लगातार जान से मार देने की और रेप कर देने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसके बाद जितनी भी FIR विभिन्न राज्यों में की गई हैं उनके अलग अलग इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना नूपुर शर्मा के लिए खतरा है। इसलिए जितने भी FIR विभिन्न राज्यों में इस मामले में नूपुर शर्मा के खिलाफ किए गए हैं उन सभी को सेंट्रलाइज करके दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में भाग ले सके तथा इन्वेस्टिगेशन को पूरा करवा सके। लेकिन याचिकाकर्ता की याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणियां कर दी जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत न देकर उसे ही दोषी ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि नूपुर शर्मा की ढीली जीभ की बयानबाजी की वजह से देश भर में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से उदयपुर हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आ रही हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि नूपुर शर्मा ने देश भर के भावनाओं को भड़काया है तथा देश में हो रहे ऐसे दंगों के लिए नूपुर शर्मा अकेले जिम्मेदार है। जब नूपुर शर्मा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को लिखित माफीनामा के बारे में बताया तथा उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया तो कोर्ट ने उसे नाकाफी बताते हुए कहा कि नूपुर शर्मा को TV पर पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ये लोग बिल्कुल धार्मिक नहीं है तथा ये केवल धार्मिक होने का ढोंग कर रहे हैं तथा ऐसे भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो जाना आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं देता, यानी आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं मिलता, क्योंकि जहां आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी देता है वहीं इस आर्टिकल के क्लॉज में कुछ प्रतिबंध भी लगाता है जिसका नूपुर शर्मा ने उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामूली से काम के लिए आपने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जबकि आपको सीक्वेंस में चलना चाहिए था, आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था या फिर आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस याचिका को रद्द कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन के बाद पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगी है और लोग अपने अपने तर्क देने लगे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि इस विषय में आपकी कोई और राय है तो आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और लॉ से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको फतवा तथा संविधान के बारे में कुछ विशेष बताने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।